स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। बिहार के भागलपुर अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के कृष्णाबाद गांव में भीषण आग लगने से 300 से अधिक घर जलकर बेघर हो गए। बीपुर थाना क्षेत्र के कृष्णाबाद ग्यारह में धान उबालने के दौरान एक चिंगारी से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते करीब 300 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग में कई जानवरों की भी मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक घर बेघर हो गए। नारायणपुर प्रखंड के सीओ और बीडीओ ने राहत कार्य सामग्री प्लास्टिक का इंतजाम करवाया, लेकिन बात तो यह है कि घर से बेघर आदमी को खाने पीने के लिए कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। सब पदाधिकारी जाकर सो गए, ना ही कोई एमपी और एमएलए वहां पर अभी तक पहुंचे हैं। हमने वहां की जनता से जानकारी ली कि कोई खाने पीने की सामग्री मिली कि नहीं। वहां के मुखिया के भाई अरुण कुमार ने बताया कि कल सीओ और बीडीओ आए और अपनी बात रखकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई भी चीज की व्यवस्था नहीं हुई है। अरुण कुमार ने वहां पर चूड़ा और शक्कर बंटवाए और उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोगों ने बहुत बार एक आवेदन दिया था स्कूल बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल नहीं बना है। बच्चे कहाँ पढ़े लिखेंगे, गंगा के किनारे बसे कृष्णाबाद में एक स्कूल भी नहीं है और ना ही कोई भवन है। वहाँ की जनता घर से बेघर है, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। कृष्णाबाद की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, सरकार और पदाधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा घर यहीं है कृष्णाबाद में ही, ठीक है, और मुखिया जी का हम भाई हुए और भारतीय सब लोग पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ जो आग लगा सर, राहत में आप लोगों को क्या किया गया? अभी देखिए सरकार की तरफ से और जो दवाई ववाई वितरण जो है सरकार की तरफ से किया गया है। अब बाकी जो है कि लोकल जो प्रतिनिधि सब है यहाँ के आस पास के सभी लोगों ने चूरा चीनी जो भी जहाँ हो रहा है सब जो है उनको दिया जा रहा है। और सरकार के तरफ से अभी जो है सुविधा बोले हैं कि आज हम लोग आ रहे हैं कि पैसा का इंतजाम कर रहे हैं, सभी लोगों का पासबुक वगैरह वगैरह जल चुका है, इसलिए जो है कि नगद राशि दिलाने का कृपा हम करेंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से शंकर कुमार यादव।